कभी कभी अचानक कोई बातें याद आ जाती है। मुझे किसी ने बोला कि आपका विचार मेरे लिए ठीक नहीं है। आपने कहीं शायद ये बोला कि पवन जी का विचार आपके लिए सही नहीं है। लेकिन जैसे मैं आपसे मिला, आपसे मिलने के पहले मेरा भाई जो है वो मेरा दुनिया है, जिसका नाम दीपक सिंह है, उसने आज क्लियर किया कि वो लड़की जो आज बोली है वो हर कोई नहीं बोल सकता है कि पवन सिंह क्वीन सालनी के लिए क्या है। थैंक यू सो मच बाबू। क्या है ना, यहाँ ये समाज नहीं बोलूंगा, ये दुनिया प्यार करता है, इसके वजह से हम आप यहाँ खड़े हैं। राजनीति वही करते हैं जो हमारे हमारे अपने होते हो, या नहीं तो हम किसी को अपना बना लेते हैं। तो विशेष बातों पे ध्यान नहीं देने का कि कौन क्या बोला क्या नहीं, जो भी है नहीं दे बेटा, आप अपने माता पिता की कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। इंसान एक जरिया होता है और कुछ नहीं। वो जरिया आप हो, और मैं ये हर जगह बोलती हूँ, मेरा इंटरव्यू होता है, मैं इनको महादेव बोलती हूँ, ये महादेव है। मैं सागंज वाले से बता दूं, जैसे महादेव जी का था, वो गुस्सा होते थे छन में ऐसा आशीर्वाद दे देते थे, आपका सेम वही होता है। ये अपनों को इतना बांध के रखते हैं, और गलतियां तो पता नहीं लोग कितना करते हैं, पर इतना ये यहाँ से इतने अच्छे हैं। बहुतों ने मुझे बोला कि आज वो यहाँ क्यों हैं, मैंने कहा कुछ तो है जो आज वो यहाँ हैं, कुछ तो है जो आज वो यहाँ है, वरना लोग का बस चलता तो पता नहीं क्या कर देते। सही बात है। मेरे मन की बात जो आपने शेयर किया है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ, बट ये दुनिया है ना, केहू के बिगड़ला से कुछ ना बिगड़ी हो भैया, जेकर राम ना बिगड़ी हो कर का केहू बिगाड़ी। ठीक है, आप बहुत आगे बढ़िए, आपका मेहनत, आपका नेचर, आपका विचार बेटा आपको इतना आगे बढ़ाया, और आगे बढ़िए। अभी तो हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। कभी कभी कुछ याद आ जाता है, क्या है, गाड़ी में हम लोग अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते हैं, तो यूट्यूब खोल देते हैं, दिख जाता है। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए। जिंदगी बन गए हो, जिंदगी बन गए हो तुम। मैं मंच के माध्यम से आपको बोल सकता हूँ, बट एक से डरता भी हूँ, क्योंकि वो बहुत मनी मन हमको गाली दे रहा होगा। मेरे धन को कोई और बोल रहा है कि जिंदगी बन गए हो तुम। सॉरी बेटा, लव यू, बहुत आगे बढ़ो। आज आप लग रहा है मर्जी। आज मेरे साहगंज के धरती वाले जितने भाई हैं, वाह क्या जोश है यार, क्या उमंग है। हमारा नजर तो अभी इधर गया, क्या बात है। लव यू, गरजते रहिए ऐसे ही। और एक बात बता दूं, साहगंज महोत्सव के माध्यम से हमारे साहगंज के विधायक बड़े भैया हमारे रमेश सिंह जी आज आपके आशीर्वाद से, आपके माध्यम से साहगंज महोत्सव में पवन सिंह को आने का मौका मिला। हमारी इतनी माताएं बहने बैठी हैं हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे भाई बैठे हैं, गार्जियन बैठे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस मंच पे बुलाया रमेश भैया। और 500 से ज्यादा 501 जोड़ों की शादी हमारे भैया करौले, ये जो आपके मन में विचार है भैया,
आप कराए हैं ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जो आप आपका सोच है यही पूजा है। एक बार मैं चाहूंगा ऐसे भाई के लिए कि ये भैया आप सबके साथ हैं और आप सब हमारे भाई के साथ हैं, एक जोरदार ताली रमेश भैया के लिए हो जाए चारों तरफ से। हो भैया क्या बात है, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे सोच को मैं सलाम करता हूं। कहां है आज के डेट में किसी को अपने काम से फुर्सत है जी? सही बात है। आज एक कलाकार मंच पे आता है, लाखों के संख्या में हमारी माई बहनी यहां बैठल बाड़ी, जहां हमारे भाई बैठे हैं, हमारे चाहने वाले बैठे हैं। मैं आप सभी का पूजा करता हूं, आप सब मेरे लिए भगवान हैं। किसी किसी के किसी किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। और रमेश भैया जो हमारे विधायक जी हैं, इतना नेक विचार है, सुविचार है, जो भैया गरीबों को इतना सपोर्ट करते हैं, आप सम्मान देते हैं, ये मैं यही बोलूंगा कि जो आप करते हैं वो आगे क्या धमाकेदार गाना बजाना हो रहा है यहाँ पर। आय हाय 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 आय हाय 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 आय हाय 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 हाय। अरे बाप रे बाप, ये जो रंग है, ये जो रंग है, ये जो ढंग है, अनोखा अंदाज आपका पवन जी, सबके दिलों को जो कर रहा है इस समय, दिलों का हाल मैं बयां नहीं कर सकती। एक एक जो यहाँ बैठे हैं आपके लिए, इतनी देर से यहाँ बैठ के दिल थाम में बैठे थे, और आपके आने के पहले मैंने एक शेर अर्ज किया था, कांटे नहीं कट रहे थे लम्हे इंतजार के, कांटे नहीं कट रहे थे लम्हे इंतजार के, नजरें बिछाए बैठे थे रस्ते पे यार के, नजरें बिछाए बैठे थे ना, नजरें बिछाए बैठे थे रस्ते पे यार के। अरे तनी बोल रही है, तनी इनके ताकत दा जाओ, तनी चिल्ला के बता दा जाओ भैया। थैंक यू, धन्यवाद। और दिल ने कहा, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इन्हें फलक से उतार के, लाया है कौन इन्हें फलक से उतार के, लाए है ना बिल्कुल आसमानी लग रहे, लग रहा आसमान से उतर के शाहगंज की धरती पर आप आए हैं, उतरे हैं, और ऐसा चमकता सितारा भोजपुरी जगत का हमारे बीच शाहगंज महोत्सव में। मेरी नहीं तो उनके ही कहने की बात मान लीजिए, थोड़ा सा हमारा भी साथ दे दीजिए, तालियां ही बजा दीजिए कम से कम। वाह शुक्रिया, धन्यवाद। आपके लिए महाराज जो हमारे भाई हैं सब जान दे देंगे ताली बजाने की बात करती हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। कहो भैया गलत बोला या सही बोला? सही बात, सही बात। हाँ वाह, पता नहीं हरों से एनर्जी दिखा दो जब दबा ये भाई बात, पता नहीं पिछावा से एक बार कर जा हो भैया, ये हुई बात, क्या बात करती हैं आप।